भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर के किलेपाल में हुए सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 4 घायल। मसीह समाज द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में महारानी हॉस्पिटल परिसर स्थित नर्सिंग कॉलेज से जागरूकता रैली निकाली। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा 483वां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ जगदलपुर के किलेपाल में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 4 गंभीर रूप से घायल हैं। बीजापुर के रहने वाले दुर्गम परिवार के लोग आज बीजापुर से जगदलपुर शादी समारोह में शरीक होने आ रहे थे, तभी किलेपाल के पास बाइक सवार को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भयंकर था कि इसमें 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, अन्य 4 गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार किलेपाल के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। हमेशा ही NH-63 पर हादसे होते आ रहे हैं, जिसमें अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि मौके पर ग्रामीण पहुंचकर सभी के शवों को निकाल लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। बस्तर संभाग के मसीह समाज द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मसीह समाज का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से उन्हें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, शादी विवाह सहित तमाम प्रकार के कार्यों में बाधाएं पहुंचाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। शासन प्रशासन से उन्हें पर्याप्त सहयोग मिले और उन्हें अपने धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम एवं अनुष्ठानों में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो, इस हेतु आज संभाग के 7 जिलों से पदाधिकारियों एवं 15,000 से ज्यादा की संख्या में मसीह समाज के लोग एकत्रित होकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन एवं शांति मार्च निकाला। मसीह समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इसके पश्चात भी उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जाता है तो और उन्हें इसी प्रकार प्रताड़ित किया जाता रहा तो आगे चलकर उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। मसीह समाज के द्वारा राज्यपाल के नाम कमिश्नर को एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। 2 वर्षों से मसीह लोगों के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर हम आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। हमारा 5 मांग है विशेष। पहला, जो मसीह समुदाय से जुड़े लोग हैं, वह मृत्यु हो जाने के बाद दफन क्रिया में बहुत बाधा उत्पन्न हो रहा है, पानी पीने में हमको मुश्किल हो रहा है, अपने खेती में खेती करना मुश्किल हो रहा है और सामाजिक बहिष्कार, शादी ब्याह तक हम कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा प्रताड़ित हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में हमारा मसीह समाज, जिसको लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए हम आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। भारतीय रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में महारानी हॉस्पिटल परिसर स्थित नर्सिंग कॉलेज से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ कलेक्टर एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष विजय दयाराम के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। उक्त जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए वापस महारानी हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज ऑडिटोरियम में समाप्त हुई। ऑडिटोरियम में मुख्य रूप से उपस्थित विधायक रेखचंद जैन, नगर निगम महापौर सफीरा साहू, आयुक्त कलिंदर पैकरा, उपाध्यक्ष इंद्रावती विकास प्राधिकरण राजीव शर्मा, विश्व रेडक्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली, चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, भाषण प्रतियोगिताओं के बाद विजेता एवं उपविजेता एवं कुछ संस्थाओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राजीव शर्मा, रेड क्रॉस के सदस्य सत्यनारायण पाठक, मनीष मूलचंदानी, ब्रिजेश शर्मा, अनिल अग्रवाल, डॉक्टर देवकांत चतुर्वेदी, श्रीनिवास, माही श्रीवास्तव, डीके पराशर, गौरनाथ एवं अन्य सदस्य गण, युवोदय के वॉलंटियर्स, नर्सिंग कॉलेज के समस्त स्टाफ व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा जगदलपुर के महाराणा प्रताप चौक में स्थित महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर व पूजा अर्चना एवं माल्यार्पण कर एवं महाराणा प्रताप अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा महाराणा प्रताप जी आपका नाम रहेगा, इन नारों के साथ 483वां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भव्य रूप से मनाई गई एवं उन्हें याद किया गया। समाज के लोगों ने शरबत पिलाकर व मिठाई बांटकर बड़े धूमधाम से जयंती मनाई गई। भारत के विभिन्न प्रांतों में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संरक्षक राज बहादुर सिंह राणा ने कहा, मेवाड़ के 13वें राजा महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। महाराणा प्रताप नाम है वीरता और वचन की एक अद्भुत मिसाल का। महाराणा प्रताप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने अपने जीवन में कठिन संघर्ष करके भारतवासियों को मुगलों के जुल्मों से मुक्त दिलवाने का काम किया। ऐसे महापुरुषों के त्याग और बलिदान को भी बुलाया जा नहीं सकता। प्रदेश अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम ने कहा, महाराणा प्रताप जी के जीवन और शिक्षाओं पर चलते हुए हमें देश की मजबूती के लिए काम करना होगा। राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए जी जान से काम करें। महाराणा प्रताप ने जो कुर्बानी दी उनकी इतिहास में कई मिसाल नहीं मिलती। देश में ऐसे संस्कार का वातावरण तैयार किया जाए जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले। जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप के जीवन सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। महाराणा प्रताप हमारे राष्ट्र के सच्चे सपूत, राष्ट्रभक्त तथा महान योद्धा थे। राष्ट्र के रक्षण में सर्व समर्पण भाव से अपने आप को समर्पित करने वाले ऐसे महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर ये सब क्षत्रिय समाज के सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए जयंती मनाने के लिए। चित्तौड़गढ़ का शहंशाह ऐसे महाराणा प्रताप अपने जीवन भर ऐसे अपने हारने के बाद भी ये कहा जाता है हल्दी घाटी में उनकी हार हुई थी, पराजय हुई, परंतु राजस्थान इतिहास गवाही है। ये अंग्रेजों का दिया हुआ एक इतिहास है, ये जो इतिहास गवाह है उस समय के जो लोगों ने जो लिखा, हल्दी घाटी हम कभी नहीं हारे, राजपूताना पूरे देश भर में पूरे भारत में राजपूताना कभी हार का सामना नहीं किया, ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिनके पास 80 किले के मालिक, गढ़ में चित्तौड़गढ़ बाकी है गढ़िया, ताल में भोपाल ताल बाकी है तलैया, रानी में रानी साहब रानी है पद्मती, ऐसे शौर्य वीर से भरा हुआ ऐसे राजस्थान और उसकी जयंती मनाने का हम लोगों को गौरव प्राप्त हुआ है। ऐसे वीर शिरोमणि को हम याद करके आज सब लोग गदगद और उल्लासित हैं। आज बस्तर सांसद दीपक बैज सपरिवार अपनी भतीजी के विवाह समारोह में सम्मिलित होने भैरमगढ़ पहुंचे। दीपक बैज ने अपनी भतीजी को सपरिवार तोहफा भेंट कर बधाई व आशीर्वाद दिया। इस खुशी के मौके पर भैरमगढ़ के क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी, सांसद दीपक बैज के धर्मपत्नी पूनम बैज, सांसद प्रतिनिधि गिदम, प्रवीण राणा, जॉर्ज टोपो सहित अन्य मौजूद रहे। कोया समाज के करटामी परिवार मिलन समारोह का आयोजन दरभा ब्लॉक के ग्राम ककनार काड़ीपारा में किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में पधारे सभी अतिथियों को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान समाज के प्रमुख लोगों के द्वारा उद्बोधन भी किया गया, जिसमें समाज को नशा मुक्त करने के लिए एवं शिक्षित बनाने के लिए एवं पिछड़ेपन को दूर करने में जोर दिया गया एवं ग्राम किलेपाल के पूर्व सरपंच स्वर्गीय बुधराम करटाम को याद कर एक मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दिया गया। कार्यक्रम में धर्माराम मंडावी, नानीराम कोहराम, तिरुमल बघेल, सियाराम बघेल, लखमू करटाम, पाकलू करटाम आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माता बहन मन सियान सजन मन दूर दूर ने अब पिछले बार की आंसू कोला कोला में अंदर बाहर डोगरी पहाड़ी जन जंगल में आंसू और आपके ये जानते रहे समझते रहे और आगे बढ़ते रहे कि धक्का धक्की में सबसे बड़े आपकी शिक्षा तुम लय के द्वारा आपके पीला मन जन आगे आंसू रहे हुए छोटे पीला मन छोटे धर्म का जानने वाली भक्ति के अलावा बस्तर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम के ने सोमवार 8 मई को कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखने के कड़े निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था और रखरखाव का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने आधुनिक भू अभिलेख के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि फाइलों में रखे गए दस्तावेजों का रखरखाव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक भू अभिलेख का इस्तेमाल पर भी जोर देने के निर्देश भी दिए। इसके पश्चात उन्होंने अपनी समस्याओं को बताने पहुंचे आम नागरिकों से मुलाकात की। कलेक्टर ने बारी बारी से सभी की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र निराकरण का भरोसा दिलाया। इस दौरान उनके साथ अपर कलेक्टर हरेश मंडा भी मौजूद थे।
बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने सोमवार 8 मई को बकावन विकासखंड के ग्राम मंगनार और कोटलापाल में संचालित गौठानों का निरीक्षण किया और गौठान में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, कृषि विभाग के सहायक संचालक गुलाबधर दीवान सहित कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी कर्मचारी तथा गौठानों में संचालित रोजगार मूलक गतिविधियों में संलग्न महिला स्व सहायता समूह के सदस्य उपस्थित थे। कमिश्नर धावड़े द्वारा मंगनार स्थित गौठान में संचालित गतिविधियों की जानकारी लिए जाने पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यहां बस्तर संभाग में सबसे अधिक गोबर की खरीदी की जा रही है। यहां अब तक 16,858 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, जिसमें 6,200 क्विंटल केचुआ खाद का निर्माण किया गया है। इसमें 4,800 क्विंटल से अधिक खाद का निर्माण तथा 4,500 क्विंटल से अधिक खाद का विक्रय किया जा चुका है। शेष खाद के विक्रय हेतु टोकन जारी किया गया है तथा खाद का उठाव शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। यहां प्रतिदिन 4 से 5 क्विंटल गोबर की आवक है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए 44 वर्मी बेड बनाए गए हैं। गोबर की अधिक आवक को देखते हुए यहां लो कॉस्ट तकनीकी के माध्यम से खाद तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के खाद्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जमीनी घोटाले के मामले को लेकर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री के निजी सचिव रहे भूपेंद्र यादव के नाम पर शासकीय जमीन को पट्टा बनवाकर अपने नाम पर लिया, साथ ही उस 40 एकड़ जमीन के आधार पर लाखों रुपए धान की बिक्री भी की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा, जिस तरह से ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई तो जांच के नाम पर 102 ग्रामीणों को तहसील बतौली में बुलाकर बेवजह परेशान किया जा रहा है। जिसका जांच करना चाहिए उनका किया नहीं जा रहा। अगर जिला प्रशासन के द्वारा शासकीय जमीन का पट्टा बनवाने वाले लोगों सहित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर 7 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन का रुख अख्तियार करेगी। तौली ग्राम विकास खंड में जो मंत्री सरगुजा के अमरजीत भगत जी, उनके निज सहायक भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा जो 46 एकड़ जमीन उनके भाई के पिता के नाम पर जो सरकारी भूमि थी उसका पट्टा बनाया गया था और उसकी बकायदा ऋण पुस्तिका जारी कर दी गई, उस पर धान बिक्री की गई और जब 102 ग्रामीण वहाँ जो उस गांव के थे भटकों के करदना के, उन लोगों ने इसकी शिकायत की तो ग्रामीणों को ही प्रशासन धमकाने लगा और उनके जो पुराने पट्टे थे जो 80s में जारी हुए थे उसको निरस्त करने की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में ये मानती है कि ये बहुत बड़ा प्रशासनिक संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में और सरकार के मंत्री के संरक्षण में एक बड़ा जमीन घोटाला है। इसकी जांच उच्च स्तर पर की जानी चाहिए और इसमें जो भी संलिप्त हैं, दोषी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चूँकि ये प्रकरण गोचर भूमि में भी पट्टा बनाया गया है और फिर उसकी बिक्री भी दूसरे को कर दी गई, ये सब प्रक्रिया इसके अंतर्गत हो चुकी है। जो पट्टा बनाया गया था उसकी ऋण पुस्तिका भी जारी कर दी गई, इसका अर्थ ये है कि ये पूरा सिर्फ पटवारी स्तर का नहीं बल्कि ये पूरे राजस्व विभाग का इन्वॉल्वमेंट इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं सिद्ध होता है। राजस्व विभाग, जिला कलेक्टर ये संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करें और अन्यथा भारतीय जनता पार्टी 7 दिन के बाद इसमें मौन सहमति देने वाले उन अधिकारियों के विरुद्ध भी मोर्चा खोलेगी जो इस पर कोई कार्रवाई या सॉफ्ट कार्रवाई करके अपना काम खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा। नगर के समीपस्थ ग्राम पंचायत भूरभूसी के आश्रित ग्राम बेंगरी के ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में सड़क निर्माण की मांग को लेकर SDM कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन अनुसार कवर्धा रोड से बेंगरी जाने वाली मार्ग बद से बदतर स्थिति में है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब हो कि ग्राम बेंगरी 3 ओर से जाया जाता है लेकिन तीनों तरफ से जाने के लिए कोई सही रास्ता नहीं है, जिसमें ग्राम भूरभूसी, ग्राम देवपुरा और ग्राम बरबसपुर, ग्राम भूरभूसी और ग्राम बरबसपुर से नदी पार करना पड़ता है तो वही ग्राम देवपुरा शमशान घाट से कच्ची सड़क का सहारा लेना पड़ता है। बरसात के दिनों में बेंगरी निवासियों को तीनों तरफ से आने जाने के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होता।
बारिश के दिनों में ग्रामीणों को नदी पार कर या कीचड़ से सनी हुई सड़क को पार कर गंतव्य स्थानों पर जाना पड़ता है। 15 सालों से मांग कर रहे ग्रामीण। ग्राम बेंगरी में लगभग 70 घर है जिसकी आबादी लगभग 400 है। ये ग्रामीण विगत 15 सालों से सड़क और पुल की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनको आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। हमारा समस्या है स्कूल जाना में पुल वुल की वजह से शुरू से नहीं है। तो इधर पीछे कारण का है, पुल नहीं है, मांग वगैरह करके क्यों कर रहे हैं? कई बार हो चुके, आवेदन भी दे चुके हैं, फिर भी से पता नहीं क्यों पुल नहीं हो की वजह से काका समस्या होते गाँव वाले मान लगा। हमने स्कूल नहीं जा पान और कहीं भी आ जा नहीं सकन। बारिश के दिन में हमारा बहुत समस्या होते, महिला मन भी कहीं नहीं आ जा सके। जब डिलीवरी के समय होते तो बाहर में रह पड़ते मतलब पुल की वजह से। कहा बारिश के समय में टीचर मन आते स्कूल नहीं आ पाए। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जैसे पुल नहीं है, अभी मांग करने के लिए आए हैं आप लोग तहसील ऑफिस में, अगर मांग पूरा नहीं होता है तो क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे और क्या करेंगे। ग्राम पंचायत भुरभुसी के आश्रित ग्राम बेंगरी के ग्रामीण लगभग 200 की संख्या में आज एसडीएम कार्यालय आके ज्ञापन दिए हैं। लगभग 20 वर्षों पुरानी एक मांग है, सड़क ग्राम में पहुंच मार्ग की मांग को लेकर आज एसडीएम कार्यालय में आए हैं, ज्ञापन दिए हैं और आगे कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करने का भी बात ग्रामीणों द्वारा कही गई है, जिसको हमारे साथियों द्वारा समर्थन दिया गया है। बेंगरी के जो ग्रामीण हैं उनके ग्राम में सड़क और पुलिया नहीं है, इस समस्या को लेकर के यहाँ एक ज्ञापन दिए हैं। तो उनकी समस्या को देखते हुए मैं उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगी और जो आवश्यक कार्रवाई है वो करवाऊंगी। नाम बताएं। मैं रेणुका रात्रे, एसडीएम गंडे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।